होली, बस एक दिन बचा है हमारे पास, तो ढेर सारी तैयारियां करनी है, तो कुछ चीज़ें हम एक दिन पहले ही बना लेंगे ताकि अगले दिन हमें आसानी हो और ज़्यादा मेहनत भी ना हो, तो कुछ चीज़ें हम आज ही बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ बनाएंगे आज, दो तीन चीज़ें मैं बनाऊंगी, तो सारा रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ देखिए मैं क्या क्या बना रही हूँ, तो ब्लॉग से आप लोग जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और बिना स्किप किए प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छी सी मैं चीज़ें बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग साथ शेयर भी करूँगी, और इससे क्या होगा कि हमारा कल का काम बहुत आसान हो जाए, क्योंकि होली वाले दिन बहुत सारा काम होता है, यहाँ क्लीनिंग भी होता है, घर को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होता है, तो ढेर सारा काम होता है, तो हमारा काम आसान हो जाए इसलिए हम कुछ चीज़ें एक दिन पहले ही हम बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम अच्छे से दही बड़े को हमने पीस लिया है, इसको अच्छे से मुँह फेंटना है, क्योंकि उसी में सारा कुछ फिर फेंटने में ही है, दही बड़ा हमारा सॉफ्ट और हल्का बनेगा, बीच से कच्चा है और थोड़ा टाइट हो जाता है वो नहीं रहेगा, इसलिए इसको हमको अच्छे से फेंटना है। चलिए पहले इसको फेंट कर हम तैयार कर लेते हैं। तो जो दाल है उड़द की दाल है, इसे हम ना एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से फेंटेंगे, इसे कम से कम 4 से 5 मिनट हमें अच्छे से फेंटना है। इसमें अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और कुछ ग्रेट किया हुआ अदरक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक भी डालेंगे, और इसे अच्छे से हम फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में, ताकि इसमें हवा भरे, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसमें से हवा निकल जाएगी और हमारा ये जो दही बड़ा है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें अच्छे से फेंटना है इसे। बस इस सारा टेक्निक इसी में लगाना है, और किसी एक बाउल में हम पानी ले लेंगे, और दही बड़े को हम थोड़े से बटर को हम पानी में डालेंगे, अगर ऊपर आ गया तो समझिए कि हमारा ये बटर बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। इस तरह से देखिए मैं एक बार और डाल के दिखाती हूँ, तो ये दही बड़ा ऊपर आ गया, अगर नीचे बैठ जाता है तो आपको और फेंटना पड़ेगा जब तक ऊपर ना जाए। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें डालेंगे हींग, हींग दही बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट भी लाता है और पचने में भी आसानी रहती है, तो इसमें डालेंगे हींग और नमक। इस पानी में हम दही बड़े को तलकर डालेंगे, और तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम करके हम बड़ा या छोटा जैसे भी शेप में आप देना चाहें तो दही बड़े को हम तल लेंगे, लेकिन फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, इसलिए कि बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे, तल लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाइए। तो देखिए ये इस तरह से हम इसे पकाएंगे, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, अब इसको हम निकाल लेंगे, ये भाई तल गया है निकाल लेंगे, अब इसे हम पानी में उसी पानी में डाल देंगे। इस पानी में डालने से दही बड़ा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, और कलर भी चेंज हो जाएगा, अभी का कलर आप नोटिस कर लें, और पानी में फूलने के बाद का कलर आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा कैसा कलर इसका आता है। तो देखिए कलर, देखिए कलर कैसे चेंज हो गया है, सारा तेल पानी में आ गया है, अब इसे हम जिस चीज़ में भी सर्व करना है उतना ही हम लेकर इसे सर्व कर लेंगे, बाकी के आप फ्रिज में रख सकते हैं, जब खाना हो तब सर्व करें। इसमें हम फेंटा हुआ दही डालेंगे, और इसके ऊपर से हम डालेंगे इमली का चटनी, मीठा वाला खट्टा मीठा इमली का चटनी, ये चटनी मेरे चैनल पे है, आप इसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा तो हमारा रेडी हो गया, चलिए दूसरा रेसिपी सुन करते हैं। नमक से आप इसे करें डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगी रसगुल्ले, तो रसगुल्ले बनाने के लिए हमने पहले चाशनी बैठा दिया है, चाशनी हमारा बन जाएगा। इधर हम इसका गिट्स का हम एक डो लगा लेंगे, सॉफ्ट डो लगाना है हमें, दूध से आप पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन दूध से लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दूध से हम सॉफ्ट एक डो लगा लेंगे अच्छे से, इसे मसल मसल के। अब हाथों में हम तेल लगा कर इसे छोटा छोटा बॉल बना लेंगे, बड़ा छोटा शेप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं इस तरह से, बस बॉल में क्रैक नहीं आना चाहिए, हाथों में तेल लगा कर इसे आप गोल गोल इस तरह से सारा बॉल तैयार कर लेंगे, और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। इधर चाशनी भी हमारी तैयार होगी, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हरी इलायची पाउडर, अब इसमें हम इस तरह से तल लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कलर नहीं आएगा तब तक हम रसगुल्ले को तलेंगे अच्छे से, इस तरह से तल के निकाल लेंगे कलर आ जाए तो, लेकिन फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसे हम गरम गरम चाशनी में डाल देंगे, तो देखिए रसगुल्ला भी बनके हमारा तैयार हो गया। तो ठाकुर जी के लिए मैं रसगुल्ला निकाल दे रही हूँ, उनको मैं भोग लगा दूँगी,
इस तरह से रसगुल्ला हमारा बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए दूध हमने बैठा दिया है और ठंडे दूध में 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर हमने बॉयल होते दूध में डाल दिया है। इसे एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे। एक बॉयल आने से ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी हम डाल देंगे और फिर फ्रूट्स हम काट लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें फ्रूट डालेंगे। तो फ्रूट्स हमने काट लिया। अब हमारा जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो गया है। तो अब उसमें हम ये फ्रूट डालकर इसे हम फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होने के लिए, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है। तो चलिए, फ्रूट्स भी हमारा कट गया, इस तरह से हम डाल देंगे। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।